साउंड बाद से बात होगी, ऐसे एडिट करते हैं। साउंड बंद होगा ठीक है लगी। ओके नमस्कार जी, मेरा नाम एस एम मित्र है। बेसिकली मैं बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ और मैं गए 14 साल से जुडिशरी से जुड़ा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे। बेसिकली कुछ बात कहना चाहता हूँ कि ये जितने 14 साल का जो मेरा ये सफ़र रहा है ना, इस साइड का रहा, जिसमें कुछ बातों की परतें खुलती गई है और कुछ बातों की परतें आज तक नहीं खुली हुई है। सबसे मेन बात है कि एक हमारे यहाँ पर बचपन से हमें इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि दो प्रोफेशन हमारे इतने अच्छे हैं, नोबल है, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर, एक होता है वकील। लेकिन कभी कभार में कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि आम आदमी के सोच के और समझ के बाहर की होती है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है, मैं पहले तो मैं डॉक्टरी पेशा के बारे में बोलूँगा कि हम कमाते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं और बाद में कहीं जाके मंदिरों में चढ़ाते हैं, कोई चैरिटी में चढ़ाते हैं, हर जगह हम चढ़ा के आ जाते हैं। एक तो वो बात, मतलब आपको उसके लिए अलग से कुछ करना होता है। लेकिन डॉक्टरी पेशा एक ऐसा पेशा है जिसमें आपको उसी वक्त इंस्टेंट ही आपको उसका रिजल्ट मिलता है। कैसे? जो भी आपके पास पेशेंट आते हैं उनको राइट वे में कन्विंस करना, राइट वे में उसको ट्रीट करना, जो है जैसा भी आप उसको हर किससे कर देते हैं, मतलब कंसिस्टेंटली आपको और नॉन स्टॉप आपको उसके ब्लेसिंग्स मिलते रहते हैं। आपने कितना कमाया है, क्या है, वो तो आपके बैंक से रिलेटेड है, आम आदमी को उससे ही। लेकिन आपके जो ब्लेसिंग्स हम लेते हैं लोगों के, लोगों को जो अच्छा ट्रीटमेंट देके या प्रॉपर गाइड करके, तो मैं यही कहना चाहता हूँ क्यों नहीं डॉक्टरी पेशा यदि चाहे तो इन चीज़ों का, जैसे आजकल देखो कितने दर्द में जीते हैं, उनको खुद एक समय ऐसा था कि डॉक्टरों को भगवान माना जाता था, डॉक्टरों को लोग इस तरीके से देखते थे कि अब मतलब बहुत अलग नजर थी। और आज क्या हुआ, डॉक्टरों को खुद को अपने प्रोटेक्शन के लिए बाउंसर रखने पड़ते। आप मुझे बताइएगा कि आज जिनके हाथ में माँ छोटे बच्चे को लेके डॉक्टर को सपोर्ट करती, कहती मेरे बच्चे की जान बचाओ, मतलब वो कॉन्फिडेंट रहती है, वो कॉन्फिडेंट रहती है कि भी किसी तरीके से ये डॉक्टर है मेरी बच्चे की जान बचाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं कि कुछ चल कुछ ऐसे शॉर्टकट्स जो अपना रहे, जो हकीकत में हम इन चीज़ों को चाहते हैं चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी है। हर जगह पे देखिएगा कमीशन कमीशन कमीशन, टेस्ट लिख देते हैं अलग अलग तरीके से, कुछ ऐसी ये कर देते हैं। आम आदमी के पहले हैसियत के तो हमने देखना है कि उसकी क्या हैसियत है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम तो कहते नहीं ये इन्वेस्टिगेशन करा लो, चलो ये तो मैं अभी ज़्यादा इस बात पर नहीं वे करूँगा। अब है लॉयर का प्रोफेशन, देखिएगा लॉयर का प्रोफेशन तो मैं उससे भी ज़्यादा नोबल मानता हूँ, क्योंकि लॉयर के ही प्रोफेशन के अंदर आप उनको इंसाफ दिला सकते हो। अच्छा, अब यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई है, हर एडवोकेट क्या कहता है, मैंने जब वकीली पास की है तो मैं चाहूँगा भी चाहे केस कोई भी है कैसा भी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि हमने किस तरीके से वो केस को फाइट करना है। आपको ये मकसद या एम रख के यदि इस प्रोफेशन के अंदर आप काम करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आम आप जनता के साथ में आप कोई इंसाफ कर सकते हो। कैसे? जब आपको उतनी पैनी नज़र तो आपको होनी चाहिए जो आपके सामने आया हुआ इंसान आपके साथ में किस तरीके से बात कर रहा है, वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आप पता है क्या करते हैं आप, आपका तो काम हो जाता है, आपको फीस मिल गई, आपको कि हम सभी चीज़ को या सभी केसेस को मना कर देंगे तो भाई हमारा काम कैसे चला, घर की रोजी। देखिएगा ये रोजी चलाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, इसका मतलब आपने आपने इस उसूलों के साथ में और इसके एथिक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, वही सबसे गलत चीज़ होती है। दूसरी बात, आप ये देखिएगा, आप आपके सामने आया हुआ क्लाइंट है उसको तो आप इंसाफ दिलाने की बातें करते हो, लेकिन आपने देखा डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने जो विक्टिम है उसके साथ कितना गलत कर रहे हो आप। तो आप कहोगे भाई हम हर केस में ही सबको ये कर देंगे तो वो किसी और के पास जाएगा। देखिएगा मैं यही कहना चाह रहा हूँ, यदि हर एडवोकेट ये कहे कि मैं गलत का साथ नहीं दूंगा, ये चेन है एक चेन कि मैं गलत का साथ नहीं दूंगा, प्रॉब्लम यहीं से ये हो रही है। अब उसमें क्या हो रहा है कि आज देख रही है हमारे कोर्टों की हालत देखो और इसकी आदत देखो किस तरीके से हो रही है,
आपने कभी ये सोचा है, ना लॉयर को फर्क पड़ रहा है, ना जजों को फर्क पड़ रहा है, ना जो अंदर काम करते हैं उनको फर्क पड़ रहा है, फर्क सिर्फ आम जनता पीसी जाती है। और आप ये देखिएगा, इससे एग्जैक्टली हम लोगों के मन के अंदर एक हीन भावना कोर्ट के प्रति, जजों के प्रति, वकीलों के प्रति, बिल्कुल आप मतलब आप बुनियादी तौर पे आप उसको ये कर रहे हो। तो इन चीजों को somebody has to take initiative कि हमको ये चीजों को बड़ी इससे ये करनी है। हर आदमी क्या सोचता है, सामने वाला करे, वो ये करे, सिस्टम खराब, वो खराब, नहीं। आप दुनिया को, सिस्टम को नहीं चेंज कर सकते, क्यों? आपके पास, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है। आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? मैं गलत नहीं करूंगा, जान अनजान के अंदर भी यदि ये सोच आपकी हमारी रही, तो मुझे नहीं लगता है कि देश के अंदर या जो हमारे जो तीन लोगों के बारे में लोगों के मन में थोड़ा डर रहता है, डॉक्टर, पुलिस और वकील, शायद बचपन से ही हमें ये बताया जाता है। तो ये क्यों है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आम आदमी नहीं है ना, जो कोई और है, हम ही जिस पेशे से जुड़े हुए लोग ही हम ये सब कर रहे हैं। और इन चीजों को पता नहीं, यदि राइट टाइम पे यदि हम उसको नहीं रोक पाए या नहीं रोकेंगे, हो सकता है कि ये चीजें आने वाले वक्त में बहुत विकराल, जिसको एक भयानक ये रूप ले सकती है। और मुझे, मेरी नज़र में, मैं आखिर में एक ही कहना चाहूँगा, यदि आपको लाइसेंस दिया गया है, आपको कुछ ये दिया है, उस वक्त हर इसको डिग्री देते वक्त कुछ ओथ लेनी होती है, जो भी जैसे भी, तो उस वक्त आपको उस चीज़ को ऐसा नहीं आपने कर लिया, ओथ ले लिया या नहीं, उसको आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। मैं गलत करना, गलत का साथ देना, गलत का सोचना, और पैसा आपका सबसे पहला। मैं आपको एक बताता हूँ, मैं काफ़ी सालों से एस्ट्रोलॉजी टॉपिक के ऊपर भी मेरा रिसर्च रहा है। आपको उतना मिलेगा जो आपका कर्म के खाते में ऑलरेडी क्रेडिटेड है। जैसे बैंक का पासबुक होता है कि उसके अंदर फिक्स एक अमाउंट, जब पासबुक एंट्री करने जाते हैं तो उतनी अमाउंट होती है, वो बंदा खोल के देखता है मैं इतनी अमाउंट का ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, कितनी क्रेडिट बैलेंस है। तो जब भी हम इस धरती पर आ जाते हैं तो उस वक्त हमारा कर्मों का पासबुक भी हमारे साथ होता है। तो ऐसे वक्त में हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम खामखा उन चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं जो अल्टर कर नहीं सकते। आप आए इस धरती के ऊपर कुछ मिशन लेके आए हुए हैं कि मैंने इस जन्म लिया है तो किसी भी प्रोफेशन में अंदर आऊँ तो मैं अपना, अपने साथी लोगों का, अपने समाज का लिए कुछ करूँ, कुछ कॉन्क्रीट कुछ ऐसा करूँ जिससे ये जो नफरत जो है इन किसी भी प्रोफेशन के बारे में वो ना ये हो जाए। और मुझे लगता है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, हम अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। बाकी तो खैर मैं उतना विद्वान नहीं, हमारे सीनियर एडवोकेट बट्टी साहब है, वो तो भाई उनसे काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, बहुत कुछ वो करते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर सब की, मतलब वो कहते हैं कि वो ऐसे ऐसे लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, अब उसके मेरे पास शब्द नहीं है कुछ उसके बारे में कहने के लिए। और फिलहाल तो मैं फिर कभी वो किसी वक्त में यदि इन लोग मौका दे इंटरव्यू का या कुछ बातें कहने का तो मैं ज़रूर कह दूँगा। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण, वेलकम।